पनीर हम खा खा के बोर हो गए हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और खाने में उस पालक पनीर से भी बहुत टेस्टी और लाजवाब होगा। तो चलिए इस वीडियो को बनाते हैं, कैसे बनता देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शोभा, आप आए शोभा रसोई में। आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ जो झटपट बनने वाली, कोई भी बिगिनर भी बना लेंगे पालक और पनीर की नई तरह से, जो जल्दी बन जाएंगे, ना पीसना ना काटना ना उसको बहुत पकाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया पनीर, 2 कप पालक कटी हुई, टमाटर, दही, 1 प्याज बड़ा सा चॉप किए, 1 चम्मच अदरक लहसुन ग्रेट की और 2 चम्मच हमने भुने हुए बेसन ले लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मसाला रेडी करेंगे। हमें भुने हुए बेसन में 1 चम्मच डाल देंगे मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। इसके अंदर दही डाल के हम एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए पेस्ट बना लिया, अब इसको रख देंगे एक तरफ। चलते हैं कढ़ाई की ओर। कढ़ाई में डाल देंगे हम 2 छोटे चम्मच घी, आप चाहो तो तेल डाल सकते हो। घी हमारा गर्म हो चुका, अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 चुटकी डाल देंगे हींग। जीरा हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन, इसे थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अदरक लहसुन हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे प्याज, दो हरी मिर्ची हमने कूट के डाल दिया। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे जो टमाटर हमने 2 काट के रखे थे उसको डाल देते हैं। टमाटर डला है तो इसमें अब नमक भी जाएगा साथ में, ताकि टमाटर बहुत जल्दी हमारा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब हमने जो पेस्ट बना रखा था मसालों की वो इसमें डाल देंगे। मसाला को बैलेंस करने के लिए हम थोड़ी सी डाल देंगे चीनी। अब इसके अंदर आप या तो थोड़ा सा चाट मसाला डालिए या फिर अमचूर पाउडर डालिए। मैंने तो चाट मसाला डाला है 1/2 चम्मच, आपको आपकी इच्छा, आप जो भी डालना चाहो। अब ये मसाला थोड़ा सा भुन चुका, अभी पूरी तरह से भुना नहीं है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे पालक। पालक के साथ साथ हमारे पालक भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी भुन जाएगा। इसे ढक करके हम 5-7 मिनट अच्छे से पका लेंगे। पालक और मसाले दोनों ही पक चुके अच्छे से, अब इसके अंदर हम डाल देंगे पनीर। ये घर का बना हुआ है इसीलिए मैं क्रश नहीं कर रही हूँ, आप अगर बाजार से ला रहे हो तो उसे थोड़ा सा क्रश करके डालें। 1/2 चम्मच जितना हम डाल देंगे कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है। थोड़ी सी डाल देंगे पानी, 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के फिर से पका लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सब्जी पक चुका है। इसमें डाल देंगे 2 चुटकियां जितना हम गरम मसाला, गरम मसाला में कम डाल दें क्योंकि मैं अभी दूसरा भी थोड़ा सा स्पाइसेस डालूंगी इसीलिए कम डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे मलाई, फ्रेश मलाई, आप चाहो तो क्रीम डाल सकते हो। 1 चुटकी हम डाल देंगे पीसी हुई छोटी इलायची, 2 चुटकी सिनेमन पाउडर। लेकिन मानिए फ्रेंड, ये मसाला आप डालोगे तो इसका अलग सा ही टेस्ट बढ़ जाता है
जो खाने में लाजवाब लगता है। आप यकीन ना हो तो आप डाल करके ज़रूर बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो देखिए कितनी जल्दी हमारी ये सब्जी बनने के लिए बन के तैयार हो गई है। ये सब्जी आप पराठे, नान, चावल के साथ भी आप खा सकते हो बेशक, लेकिन ये पराठे और नान पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हमारा ये सब्जी बन के हो गई रेडी, अब इसको हम करते हैं प्लेटिंग। देखिए इसकी टेक्सचर देखिए सब्जी की, तो हमें अब तो कितना बनाना आसान हो गया पालक पनीर, ना हमें पीसना, ना उबालना, ना ठंडे पानी में इसे डालना, बहुत ही इजी वे में हमने बनाए हैं जो बहुत ही टेस्टी। मैं तो बोलूँगी पालक जो पीस के हम बनाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसा बना फीडबैक में बताना ना भूले। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे कोई अगली।